नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहितास गोटड़ा कालसा। किसान भाइयों, मंडी भाव से जुड़ी ताजा खबरें इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो किसान भाई, इस वीडियो में जान लेते हैं आज के वायदा बाजार भाव के बारे में। किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ, आज ग्वार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ग्वार में इस सप्ताह में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास ग्वार है तो कुछ तेजी के साथ साथ आप ग्वार बेचना शुरू कीजिएगा और इस तेजी का फायदा जरूर उठाइएगा। तो किसान भाइयों, चलिए बात कर लेते हैं आज अरंडी के बाजार भाव इस प्रकार खुले हैं। अरंडी के वायदा बाजार आज 7000 रुपए से लेकर 7250 रुपए खुले हैं। अरंडी में आज 10 रुपए से लेकर 18 रुपए की मंदी के साथ बाजार खुला है। बात करें किसान भाइयों धनिया के भाव की, तो आज धनिया के भाव 11500 रुपए से लेकर 12000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खुले हैं। धनिया में आज 100 रुपए से लेकर 150 रुपए की तेजी के साथ बाजार खुला है। बात करें किसान भाइयों ग्वार के भाव की, तो आज ग्वार के भाव 4500 रुपए से लेकर 4975 रुपए के हिसाब से खुले हैं। ग्वार में आज किसान भाइयों 10 रुपए से लेकर 19 रुपए की तेजी के साथ बाजार खुला है। जीरा किसान भाइयों बात करें, तो जीरे के भाव आज 22500 रुपए से लेकर 23035 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खुले हैं। जीरे में आज 300 रुपए से लेकर 415 रुपए की तेजी के साथ डिब्बा भाव खुला है। बात करें किसान भाई सोयाबीन के भाव की, तो आज सोयाबीन के भाव 6000 रुपए से लेकर 6250 रुपए के साथ खुले हैं। किसान भाई सोयाबीन में आज तेजी मंदी की कोई रिपोर्ट नहीं है। सोयाबीन में आज 0 से रुपए की तेजी देखने को मिली है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के वायदा बाजार भाव। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्यों किसान भाइयों, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं, अपने पास पास की मंडियों के भाव जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। किसान भाई क्षमा चाहूँगा, मैं रोज वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, इन दिनों कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसी वजह से कुछ वीडियो है मैं इन दिनों लगातार नहीं डाल रहा हूँ, तो क्षमा चाहूँगा, आप तक लगातार सूचना नहीं दे पाया। तो किसान भाइयों एग्जाम के बाद लगातार आपको सूचना वीडियो डालता रहूंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।